ये हमें चाहिए बनाना। यहाँ पे मैंने 2 बनानाज लिए हैं, ये मैंने कट किए हैं, आपको इसी तरह से कट करके इनको इसी तरह से जमाना है, एक के ऊपर एक नहीं जमाना है और इनको 2-3 आवर्स तक फ्रीज करना है। मतलब बिल्कुल एकदम ये लाइक बहुत टाइट हो जाते हैं, फ्रीज बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। ये मैंने आपको कट करके दिखाया, अभी मैंने ऑलरेडी फ्रीज किए हुए हैं वो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने मिल्क लिया है, चोको चिप्स है और ये शुगर है, तो ये इस तरह से मैंने कट करके रखे, बिल्कुल टाइट है, एकदम फक्का जैसे टाइट है। तो हमें इसी तरह से बनाना, इसी तरह के बनाना चाहिए। वो जार में डालेंगे, एक एक करके निकालते जाएंगे। बनानास बिल्कुल टाइट होने चाहिए, एकदम फ्रीज हो जाने चाहिए, तभी हमारी आइसक्रीम अच्छे से बनेगी, अदरवाइज आइसक्रीम अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो ये हमने जार में डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पर 2 स्पून शुगर लिया है, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मिल्क डाल दूँगी, मिल्क हमें थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये सही से नहीं बनेगा, थोड़ा ही डालना है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। हम इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम क्रीमी आइसक्रीम लग रही है हमारी। मैं यहाँ पर चोको चिप्स से बना रही हूँ, तो हम इस पर चोको चिप्स गार्निश करेंगे। आपके पास अगर चोको चिप्स नहीं है तो आप चॉकलेट भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी चोको चिप्स बनाना आइसक्रीम रेडी है। फ्रेंड्स बनाना कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना। यहाँ पे मैंने 2 बनानास लिए हैं, ये एकदम डीप फ्रीज किए हुए हैं, 2-3 आवर्स के लिए मैंने इनको डीप फ्रीज किया था। मिल्क, फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे पपाया, मैंगो लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। ऑलमंड है, काजू है और इलायची पाउडर लिया है और 2 स्पून मैंने यहाँ पर चीनी ली है। चलिए बनाते हैं कस्टर्ड। बनानास बिल्कुल फ्रीज होने चाहिए तभी इनका हमारा कस्टर्ड अच्छा बनेगा। अब मैंने यहाँ पर 2 स्पून चीनी ली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको हम मिल्क डालकर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बनाना जो हमने ग्राइंड किया था सिर्फ रेडी हो गया है। इसको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, इसमें हम फ्रूट्स डालेंगे, पपाया, कुछ मैंगो के पीसेस, इलायची पाउडर और गार्निश करेंगे इसको ऑलमंड से और काजू से। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बनाना कस्टर्ड बनकर रेडी है। देखिए कितना क्रीमी, कितना कलरफुल और बहुत ही अच्छा लग रहा है।